हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन इलेक्ट्रिकल मंत्रा। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है लोड कैलकुलेशंस के ऊपर और केबल साइज के ऊपर, यानी कि मोटर का जो हमारा लोड है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और केबल साइज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या जानेंगे कि FLC क्या होता है, यानी कि फुल लोड करंट क्या होता है, और किलो वाट से हम HP यानी कि हॉर्स पावर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस हॉर्स पावर से हम FLC कैसे निकाल सकते हैं, और उसके बाद हम निकालेंगे कि हमारा केबल साइज क्या रहने वाला है। तो बने रहे मेरे साथ, मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। तो सबसे पहले हम FLC की बात कर लेते हैं दोस्तों। FLC क्या होता है? तो FLC का मतलब मैंने आपको बता दिया, F मीन्स होता है फुल, और L मीन्स होता है लोड, और C मीन्स होता है करंट। तो यहाँ पर FLC का जो मतलब हो गया वो हो गया फुल लोड करंट, यानी कि हमारा FLC का मतलब हो गया कि हमारी जो मोटर है वो फुल लोड पर, यानी कि अपनी मैक्सिमम लोड पर कितना मैक्सिमम करंट लेगी, इसका मतलब हो गया हमारा फुल लोड से। तो फुल लोड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें मोटर का जो प्लेट होता है ना दोस्तों, मोटर का प्लेट हर मोटर पर लगा होता है, हर मोटर पर मोटर का नेम प्लेट या फिर डाटा प्लेट लगा होता है। तो उस नंबर प्लेट पर या फिर उस डाटा प्लेट पर हम क्या खोजेंगे कि हमारा कितने HP की मोटर है, हमारी कितने HP की मोटर है। एक HP लिखा होता है वहां पर नेम प्लेट में, एक cos φ यानी कि पावर फैक्टर लिखा होता है, और किलोवाट लिखा होता है। वैसे तो वहां पर करंट भी लिखा होता है, FLC भी लिखा होता है, पर होता क्या है, कई बार नेम प्लेट क्या होती है, ओल्ड हो जाने के कारण मोटर हमारी ओल्ड हो गई, और मोटर हमारी ओल्ड हो जाने के कारण जो नेम प्लेट थी या मोटर प्लेट थी वो थोड़ी रफ हो जाती है, और उससे ये डाटा क्या हो जाता है, मिट जाता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमें कुछ भी दिखाई दे उसके हिसाब से हम मोटर का क्या निकालेंगे, लोड निकालेंगे। मान लेते हैं हमें बस HP दिखाई दे रहा है, HP दिखाई दे रहा है हमें बस, और मान लेते हैं हमें HP दिखाई दिया, और HP दिखाई देने से हमें क्या हुआ, हम मान लेते हैं 100 HP की हमारी मोटर है, हमें ये पता लग गया। तो अब 100 HP की मोटर है तो उसके लिए हमें केबल साइज देखना है, कितने की केबल लगेगी। तो उतने की केबल लगाने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, FLC निकालना पड़ेगा। कभी भी आप ध्यान दें, कभी भी आप केबल की रेटिंग निकालेंगे ना, तो उसके लिए आपको क्या, हमेशा 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 करंट निकालना पड़ेगा, या किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की अगर हम रेटिंग निकालेंगे या उसकी रेटिंग निकालेंगे तो हम किस पे निकालेंगे, उसकी रेटिंग हम करंट पे निकालेंगे। अब यहाँ आ जाते हैं, मान लेते हैं हमारी 100 HP की जो हमारी मोटर थी वो हमें पता लग गया। तो FLC का जो हमारा फार्मूला होता है दोस्तों, FLC का अगर हमें HP पता हो तो HP से HP मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से। क्या मल्टीप्लाई कर देंगे सर? आपने बताया कि HP को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से। तो HP हमारा यहाँ पर 100 था, तो 100 मल्टीप्लाई 1.5, तो ये हमारा यहाँ आ गया 150 एम्पियर। अभी इसको साइड में रखते हैं, 150 एम्पियर हमारा आ गया। दूसरा डाटा देखते हैं हम, दूसरा डाटा अगर हमें HP नहीं मिला मोटर पर, HP मिट गया है, तो हमें किलोवाट मिलेगा। मान लेते हैं हमारी मोटर 75 किलोवाट हमें दिखाई दिया, और 75 किलोवाट से हम क्या करेंगे, इस 75 किलोवाट से हम HP में कन्वर्ट कर लेंगे। HP में कन्वर्ट करने से क्या होता है, HP का फार्मूला होता है HP इज इक्वल टू किलोवाट मल्टीप्लाई 1.34। तो यहां पर अगर मल्टीप्लाई करूं तो 75 किलोवाट हमें दिखाई दिया, और 75 किलोवाट की हमारी मोटर थी, तो 75 किलो मल्टीप्लाई बाई 1.34। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर जो हमारा HP आएगा वो हमारा 100 ही आएगा। क्या आएगा? हमारा 100 आएगा। और अब मैंने आपको बताया कि FLC क्या होता है, FLC बराबर होता है सर HP मल्टीप्लाई बाई 1.5। हमारा HP आ गया यहाँ पर 100, तो 100 मल्टीप्लाई 1.5 तो हमारा 150 एम्पियर यहाँ से भी आ गया। अगर हमें किलोवाट की वैल्यू पता हो तो भी हम निकालेंगे, करंट की वैल्यू अगर हमें HP की वैल्यू पता हो तो भी हम ऐसे निकाल लेंगे। शायद आप समझ गए होंगे कि ये मैंने कैसे निकाला। तो अभी बात कर लेते हैं कि हम करंट या फिर हम केबल कितने का लेंगे। तो अगर आप बात करें जो केबल होता है हमारा, जो हमारा केबल होता है वो अगर 0.5
अगर मैं बात करूं 0.5 की, तो केवल होता है 0.5, 0.75, 1.0 या फिर 2 mm स्केयर की केबल होती है, 2.5 की होती है, 4 की होती है एंड सो ऑन, 10 की होती है, 16 की होती है, 25, 35, ऐसे ऐसे हमारी मोटर जो हमारी केबल होती है वो हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, हमने यहाँ पर मैंने एक वो बनाया है, एक चार्ट या फिर एक टेबल आप बोल सकते हैं, उसमें आप यहाँ पर करंट की वैल्यू देख सकते हैं। और जैसे ही हमारा 150 एम्पियर आया, 150 एम्पियर हमेशा, एक बात आप याद रखेंगे, इस 150 एम्पियर से ज़्यादा ज़्यादा की केबल लेनी है, यानी कि ऐसी हमें केबल लेनी है जो इस 150 एम्पियर से ज़्यादा करंट कैरी कर सके। तो अगर इस टेबल में देखें तो 150 एम्पियर से करंट अगर ज़्यादा लेना है तो यहाँ पर 35 स्क्वायर mm की केबल यानी कॉपर की केबल यहाँ पर उचित रहेगी। तो ये टेबल डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। अगर आप केबल जहां भी लेने जाएंगे या फिर जिस भी कंपनी की आपको केबल की केबल है आपके पास, तो उस कंपनी का अपना नया डाटा चार्ट होता है, ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। और बेसिकली अगर आप देखें तो बेसिकली 0.5 mm स्केयर की केबल हमेशा हमेशा कितना करंट लेगी, 3 एम्पियर से करंट लेगी। और अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो 3 एम्पियर, अगर मैं कॉपर की बात करूं तो 5 एम्पियर। अब आप इस डाटा से निकाल सकते हैं, अगर मान लेते हैं आपको 1 mm स्क्वायर का निकालना है तो ये 0.5 का दुगना हुआ है ना, ये दुगना हुआ, तो इसको भी आप दुगना कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको भी आप दुगना कर सकते हैं, तो 1 स्क्वायर mm की जो केबल होती है वो 6 एम्पियर के लगभग करंट लेगी। लगभग बोला मैंने, इसलिए लगभग बोला क्योंकि अलग अलग कंपनी का अलग अलग वैरी कर सकता है, थोड़ा बहुत वैरी करता है। और जैसे जैसे हम ये स्केयर एमएम बढ़ाते हैं तो थोड़ा थोड़ा ये वैरी करता है, ठीक है। लगभग इसके अप्रोक्स रहेगा लेकिन ये वैरी करता है। इससे अच्छा है कि आप टेबल चार्ट में देख के इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये कैसी वीडियो आपको कैसी लगी, तो इसको प्लीज़ 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 शेयर करना ना भूले, अगर आपको अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद।